ये व्लॉग डेडिकेटेड है उन सभी लोगों के लिए जो अपने बिजी और हेक्टिक शेड्यूल के वजह से अपनी फैमिली और दोस्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते। अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स बेशक इम्पॉर्टेंट है और पैसे कमाना भी बेहद ज़रूरी है, लेकिन अपनी लाइफ को ठीक से बैलेंस करना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी मौका मिले तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ निकल जाया करो, ये सोचे बिना कि जाना किधर है। फाद अंकल आए, सबको लेके जा रहे बच्चे लोग को। तो अभी हो रहा है सनसेट, हालांकि सन दिख तो नहीं रहा है, ये देखो फिर भी सनसेट के हिसाब से बज रहा है 6:20। तो सनसेट होने के लिए आधा घंटा है, बट फोटो अच्छा आएगा इधर। अभी क्या निकाला? कैमरा निकाला, ये GoPro, ये सोनी का कैमरा, इसमें है ड्रोन और कुछ सामान है जो घर पे है। सेट कर टाइम 2024 18 तारीख है आज। हाँ, जोर से मत मारना साले, उड़ जाऊंगा मैं। मैं ड्रोन का फोटो लेता हूँ, ड्रोन अपना फोटो लेगा। तूने देखा हम लोग कैसा है आज? हम लोग गाड़ी से कैसा है मालूम? तीन लोग ड्राइवर की सीट पे बैठ के, आगे की सीट पे, ये अपनी सीट पे था, मैं और शमशु आगे बैठ के आए। क्या बात कर रहे? हाँ देखो, इसने इस पे ढकेल दिया था, क्या बोलते हैं, गियर पे, गियर में लगा था। डिनर इन द जंगल, जंगल इन द मंगल, लिमिटेड ऑफ द जंगल। मंगल के दो दिन पहले, मंगल संडे। पहले तू खा, ये मुझे तुम लोगों को बचाने के लिए जिंदा रहना पड़ेगा। नहीं, पहले तू खा। बीच बाजू में अपन कहाँ चले गए थे? हम लोग अभी यहाँ गए सनराइज पॉइंट पे, बट सनराइज हो के 4 घंटे हो चुके हैं, हम लोग बहुत जल्दी आ गए। तो अभी हम एक्सप्लोर कर रहे हैं यहाँ के गांव, हरिहरेश्वर गांव। वैसे कुछ है नहीं, सिर्फ सड़क के अलावा हम अकेले घूम रहे हैं पेड़ों के बीच में, बीचों बीच में बीच पे गए थे। वैसा हम लोग बिंदास मंकीज के बीच में चल रहे हैं। अरे खीमा किधर फेमस है? तो यहाँ से एंट्री है प्रियांश होम स्टे की, उस तरफ से भी आप आओगे तो उधर से एंट्री है। गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हो रहा है? गाड़ी रुक क्यों गई? चलो, कुत्ता 10 किलोमीटर दूर है तो यहीं पे रुक गए। काम हो गया तुम्हारा? ये तो बात करके बच्चे।
चीज ऑमलेट था। तुम सब खाया? सब खाया। तुमको तो मालूम है अपन नाश्ते में अपनी दवाई कर अंडा याद कर देगा तुमको सब्जी याद अंडा गधे में लूट कैसे होता है? गधे का दूध गधी का होता है। गधी का कैसे होता है? गधी का मैं देखा नहीं। क्या नहीं देखा? गधी का दूध। तो एक दो तीन ये तीन रूम है। यहाँ का टाइमिंग है चेकआउट का 10:30, चेक इन टाइम 12 PM, वाईफाई भी है और बहुत ही बेसिक स्टफ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक बेड है बड़ा सा, तो 3 से 4 अगर आप 2+2 है तो आप एडजस्ट हो सकते हो, इजीली एकोमोडेट हो सकते हो। हम लोग ने ऐसा सोए थे। इस तरफ भी अच्छा खासा स्पेस है टू मूव अराउंड, काफ़ी स्पेशियस रूम है ये। बाकी के रूम के साइज़ इतने बड़े नहीं हैं बट देन कंफर्टेबल है, मतलब आपकी सिंगल फैमिली है तो आप मैनेज कर सकते हो एक रूम में। दिस इज़ द वॉशरूम, स्पेशियस वॉशरूम है। बेसिक स्टफ है, मतलब आपको एक सोप मिलेगा, बाकी हैंड वॉश है। आपको अपनी सैनिटरीज कैरी करना पड़ेगा। तो एसी है विच इज़ अ गुड थिंग ड्यूरिंग समर, महाराष्ट्र में ज़्यादातर गर्मी होती है। टीवी भी दिया है, टीवी भी चालू है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे सबके रूम के साथ अटैच बालकनी है। मैं दिखाता हूँ जी, ये एक्सटेंडेड बालकनी। और ये हम लोग ने फ्रंट व्यू कर लिए थे। ओए नीचे शंकू पड़ा है। हम लोग ने यहाँ बाहर डाइनिंग किए थे कल रात में और अभी सुबह में नाश्ता भी यहीं पे किए। सामने पीछे क्रिकेट खेलने के लिए यहाँ पे बहुत सारे मंकीज भी है। ये मेरा आउटफिट, बच्चा पार्टी सब एक साथ आ गए। बच्चा पार्टी जेंट्स पार्टी और हम लोग सब लड़के सब एक साथ आ गए। हाँ, दो लड़कियाँ भी है, दो लड़की लोग अरेस्ट हो गए। दो लड़की लोग हैं और वहाँ पे दूसरी गाड़ी में ऑल गर्ल्स लेडीज इंक्लूडिंग फहद को छोड़ के। और हमारे अंकल टॉम तैयारी करते हुए उल्टी की 100 आ गए, विच इज अनदर बीच एंड फेमस बीच श्रीवर्धन। ये क्रैब है, क्रैब बना हुआ है, क्रैब का स्ट्रक्चर है। सो आई हैव सीन इन सम ऑफ द व्लॉग्स, तो ऐसा ही है। बट हम लोग मानसून बहुत मिस कर रहे हैं, कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस वक्त बारिश होनी चाहिए, तो उस हिसाब से प्लान किए थे काफ़ी टाइम से आने का। मानसून में काफ़ी अच्छा लगता है व्यू, बीच के पास काफ़ी हाई टाइड है शायद, तो ऐसा कुछ व्यू है। मतलब ये टिपिकल नरीमन पॉइंट, बैंड स्टैंड नरीमन पॉइंट वैसा है। बैठने के लिए काफ़ी ऑप्शन है, थोड़ा एंजॉय करते हैं यहाँ पे और इसके बाद फिर निकलेंगे यहाँ से कहीं आगे। ये इसको बोलते हैं जगह, तो वहाँ पे तो खड़े और हम यहाँ से आए हैं। यहाँ पे अच्छे अच्छे स्टैक्स बने हैं, बेंच है बैठने के लिए। अथॉरिटी ने यहाँ पे अच्छा खासा स्पेंड किया है, एक्सरसाइज करने के लिए भी बनाए हैं श्रीवर्धन बीच। काफ़ी लंबा आगे तक है, देखेंगे कहाँ तक जा सकते हैं। तो गया ड्रोन। एक इधर खड़े रहो, एक उधर खड़े रहो। पकड़ा, खा लू क्या ये? नहीं। बैठना है। गोला पार्टी चल रही है, गोला गोला नारियल पानी नहीं मिला तुमको? नारियल पानी अभी तक नहीं मिला। चाहिए नारियल पानी? मालवन से नारियल पानी, मालवन से अब तक नारियल पानी नहीं मिला उसको। मालवन में तीन ऑरेंज,
तीन ऑरेंज मैं पागल हो जाऊंगा मैंगो दे के बिठा दिए। ऑरेंज से काफी अच्छा फ्लेवर है। नहीं आ रहे क्यों? अगर मैं यहीं से जाऊं तो शॉर्टकट हो जाएगा ना। अभी ऐसा घूम के जाने से अच्छा है मैं यहीं से जाता हूँ। अरे बाप रे, तो पिसल रहा है। अरे शॉर्टकट है, गिरना नहीं। अरे गिरना नहीं। माइंड आर स्टेप्स। यहाँ पे थोड़ा सा भी स्लिपरी तो नहीं है, बट देन समझ में नहीं आता कि कैसे कहाँ से कहाँ पे रुकना है। अरे कहना क्या चाहते हो, यहाँ से नीचे जा सकते हैं उधर जाना है तो, बट देन वापस ऊपर चढ़ के भी आना पड़ेगा। छोटा सा ट्रैक है, बट अभी फैमिली को लेके तो नहीं जा सकते, बच्चों के साथ रिस्क नहीं लेना है। सब लोग इधर है, वो क्या काम कर रहे हैं? हम उड़ गया हमारा ड्रोन। हमारे चीचा अभी सब जगह ड्रोन उड़ाएंगे। यहाँ का भी ड्रोन का व्यू देखो, आप लोग एंजॉय करो। ड्रोन मैं तेरा फोटो खींच रहा हूँ, तू मेरा फोटो खींच। हम लोग जा रहे हैं अभी मुरुड़ से जाएंगे, मुरुड़ में लंच करेंगे, वहाँ से फिर घर जाएंगे मुंबई। अभी देखेंगे इसमें अगर आ गई दोनों की गाड़ी तो यही वाली फेरी, नहीं तो फिर वेट करना पड़ेगा एक घंटा। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह हैवी व्हीकल्स प्लस बाइक्स, ऑलमोस्ट सात आठ बाइक होएगी। कितना वेट होगा सोचो आप लोग, इतना वेट लेके दिन में कम से कम 10 से 12 बार दो राउंड होता है। मैं उस पॉइंट से आए थे। पानी का बहाव बहुत तेज है। तो कैसा लग रहा है पहली बार? मेरा तो पहली बार है, तुम लोग का पहली बार? तो आया पहले गाड़ी लेके ना, मतलब M2M में आया हूँ, ये वाली में नहीं, जेटी मतलब लोकल जेटी में नहीं, गाड़ी वाली में, ये ऐसे ऐसी वाली जेटी में। जेटी बोलते फेरी बोलते? वहाँ से शुरू किया था बिहार। तो ये है मुरुड़ जंजीरा है ना? मुरुड़ जंजीरा नहीं है, आगा डंडा। नहीं तो क्या है ये? वो तो बोलता मुरुड़ जाएंगे, मुरुड़ अलग है भाई, ये क्या? आगा डंडा।
आगर डांडा तो मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया लोग मुरुड़ जा रही है। तो अभी यहाँ से क्या नेक्स्ट दे तेरा नारियल पानी बुला रहे यार। नारियल पानी पी ले आज बेटा आगे बेटा आगे जाएंगे उतरने का ही तू तो बोला था मुरुड़ जाएंगे तो आगे गंडा हाँ मुरुड़ किधर है तो हम यूं ही मंजिल का मजा लेते हुए अपने घर के लिए निकल गए थे। जिंदगी बहुत छोटी होती है और हमें जितना हो सके अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से कुछ वक्त निकाल कर अपने दोस्तों के साथ यूं ही किसी ट्रिप पर निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये जो वक्त है वो लौट कर नहीं वापस आता। बस रह जाती है तो खूबसूरत यादें। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। गुड बाय। साल हो गए हैं काफी न थैंक यू कहा किसी ने ना किसी ने मांगी माफी। वो पॉडकास्ट कॉन्वर्सेशंस मेरे मन की है थेरेपी। पढ़ लेता है कैसे तू जो बात है मेरी जुबां की। यारी तेरी तेरी यारी के लिए करूँ मैं शुक्रिया खुदा का। सारी मेरी मेरी सारी फिक्र तुझसे मिलके कैसे भूल जाता हूँ मैं। तेरे तेरे साथ हूँ खड़ा अब जिंदगी के हर सफर में। नाम हमारा रहेगा साथ ही पर चाहे अच्छी या बुरी खबर में। मैं तेरे तेरे साथ हूँ खड़ा अब जिंदगी के हर सफर में। नाम हमारा साथ ही रहेगा अच्छी या बुरी खबर में। ये दोस्ती है ही कुछ।